चलिए नमस्कार, आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो जो जो बच्चे इस बार 12th क्लास के बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं और जिनका आर्ट्स है और आर्ट्स में एक सब्जेक्ट जिसको कहते हैं होम साइंस, तो यदि आपका पेपर होम साइंस है तो आपके लिए है। हम भैया 10 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, एकदम छांट कर करके VVI वाला। ये प्रश्न आपका VVI प्रश्न है, इसलिए VVI बोल रहे हैं क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके सिलेबस में है और ये बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। तो इसी तरह के सिलेबस के कुछ क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं वही आपके इस बार के भी बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो आप ऐसे प्रश्नों पर एकदम बढ़िया से अभ्यास पहले से ही कर लें। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो होम साइंस आप देख रहे हैं ये ज़्यादातर जो सब्जेक्ट्स होता है ये गर्ल्स लोग का होता है और बहुत कम लोग इसको लेते हैं, लेकिन फिर भी इसको भी हम लोग कराते चले। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपको आगे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब ये पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, आराम से देख पाएंगे, थोड़ा सा बड़ा कर दें ताकि आराम से आपको दिख पाए। पहले प्रश्न है, इसको देखेंगे कि गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है। आपको बताना है कि गर्भावस्था का जो अवधि होता है वो कितने दिनों का होता है। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है 280 दिन, दूसरा है 180 दिन, तीसरा है 160 दिन और चौथा है आपका 140 दिन। तो सही जवाब की अगर हम बात कर लें तो सही जो जवाब हो जाएगा आपका, इससे पहले आपको बता दें कि आपको एक कॉपी लेकर के बैठ जाना है और एक कॉपी में ऊपर आप ए बी करके 10 क्वेश्चन है तो 10 नंबर लिख लेंगे और एक मेरा कहीं नीचे में आप लिख दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम आपको जो कराएंगे ये हमारा में भी लिख लीजिएगा कि ए होगा ये बी होगा, क्योंकि हम जो कराएंगे तो आपको लास्ट में स्कोरिंग पता चले कि आप जो ऊपर में आंसर दिए हैं और नीचे में जो मेरा दिया हुआ है तो आप कितने सही कर पाए हैं। 10 क्वेश्चन में आप सही 7 क्वेश्चन कर पाए हैं सही या फिर 6 क्वेश्चन कर पाए हैं, तो आप आराम से जो है आप अपना स्कोर लास्ट में आप अपना स्कोर कमेंट में दे सकते हैं। तो चलिए आप अपना एक उत्तर लिख लीजिए कि आपको ये लगता है या बी लगता है। अब जवाब सुनिए, ध्यान से समझेंगे, बात को समझते चलेंगे भी। गर्भावस्था की जो अवधि होती है कितने दिनों की होती है, तो ये आपका सही जो जवाब हो जाएगा 280 दिन। बोलोगे कैसे सर 280 दिन होगा, तो सब लोग जानता है कि गर्भावस्था का जो अगर समय की बात कर ले, जैसे महिलाओं में पीरियड आना जब बंद हो जाता है, ये जरूरी नहीं कि जब महिलाओं में पीरियड आना बंद हो जाएगा जिसको हम MC कहते हैं मासिक चक्र, तो महिला प्रेग्नेंट हो जाएगी। उसका कई चेकअप होता है, उसको आप कराया जा सकते हैं, जैसे मूत्र की जाँच होगा और उसके बाद जैसे कि महिलाओं का वजन बढ़ना और बहुत सारे लक्षण होते हैं जिससे पता चलता है कि गर्भ रह गया। तो जब महिला गर्भ धारण करती है तब से लेकर के लगभग अपने बच्चों को अपने गर्भ में 9 महीना रखती है। तो आप 9 × आप ऐसे 30 कर लीजिए, अगर एक महीना को हम अगर 30 दिन मान करके भी चलते हैं तो लगभग कितना दिन हो गया, तो आप यहां देख सकते हैं कि 0 और 9 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, यानी 270 दिन ऐसे ही निकल के आ गया। किसी दिन महीना जो होता है वो आपका 31 दिन का भी होता है, ठीक है। तो एवरेज अगर हम बात कर लेंगे तो ऑप्शन को मद्देनजर देखते हुए आपका ए ऑप्शन जो है वो पूरी तरह से राइट है। चलिए तो आप समझ में आ गया होगा आपको। कहीं भी दिक्कत होता है परेशानी तो बाकी चीज़ें आप कमेंट में भी कर सकते हैं। फर्स्ट का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, लिख लीजिए। अब सेकेंड प्रश्न को देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि इसी तरह के जो सवाल है वो बार बार BPSC के थ्रू एक CDPO का एग्जाम होता है और उसमें भी ये प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं हमेशा, ठीक है। तो गौर फरमाइएगा जनाब इस पे। प्रश्न है कि समेकित बाल परियोजना प्रदान करता है, समेकित बाल विकास परियोजना जो है वो प्रदान क्या करता है, ये आपको जवाब बताना है। ऑप्शन 1 है पूर्व शालेय शिक्षा, दूसरा है टीकाकरण, तीसरा है आपका पोषण और चौथा है आपका उपयुक्त सभी। सही जवाब आपको बताना है, ये भी आप लिखिए कि समेकित बाल विकास परियोजना जो है भैया वो क्या देता है। तो ऑप्शन सही की अगर हम बात कर लेंगे तो ये जो परियोजना है वो आंगनबाड़ी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए जाते हैं।
आंगनबाड़ी के बात कर ले तो ये सब लोग जानते हैं, जो ग्रामीण परिवेश में खास करके बच्चे हैं वो सब जानते हैं आंगनबाड़ी। अब सुनेंगे बढ़िया से, जिस आंगनबाड़ी की बात कर ले उसी के थ्रू आपको समेकित बाल विकास परियोजना का लाभ आपको मिलता है। तो आप सोचो आंगनबाड़ी में आपको क्या मिलता है, तो शुरुआती का आपको शिक्षा दिया जाता है, जैसे शहरों में प्री एनसी वगैरह ये सब होते हैं प्ले स्कूल में, तो उसी तरह से आप आंगनबाड़ी तक पढ़ते हो यूकेजी तक एक तरह से, उसके बाद आप डायरेक्ट प्राथमिक विद्यालय में वन में आपका एडमिशन हो जाता है। तो शुरू के शिक्षा भी आपको आंगनबाड़ी के थ्रू दिए जाते हैं। दूसरी बात कर ले तो आपका वैक्सीनेशन इस परियोजना के थ्रू आपको आंगनबाड़ी में मिल जाएगा, ठीक है। और आंगनबाड़ी के आप होल्डिंग बोर्ड वगैरह दिखे होंगे तो वहाँ पे आपको दिखने के लिए मिल जाएगा, कहीं आपको जैसे कि आंगनबाड़ी हलाहली नहीं दिखने के लिए मिलेगा, आंगनबाड़ी कम मिलेगा देखने के लिए, लेकिन वो समेकित बाल विकास परियोजना देखने को मिलेगा बोर्ड पे, और एक बच्चा लिए हुए एक माता का पिक्चर आपको मिलेगा, ठीक है। चूँकि आंगनबाड़ी जो होते हैं वो माता और बच्चे दोनों के हेल्प के लिए बने होते हैं, तो बच्चों को वैक्सीनेशन यानी टीके भी लगाए जाते हैं, बीसीजी का टीका हो गया, डिप्थीरिया वगैरह का टीका हो गया, ये आपको बच्चे को आंगनबाड़ी पे लगे जाएंगे। तो ये भी होगा, पोषण भी होते हैं, आप देखे होंगे कि माता जब गर्भधारण करती है तो आंगनबाड़ी के थ्रू ही उनको पोषण आहार दिए जाते हैं, ताकि उनके गर्भ में बच्चा जो होता है अगर वो बच्चा पल रहा होता है तो उनको किसी तरह के पोषण के दिक्कतें ना हो जाए, इसीलिए माता को क्या किया जाता है तो फल वगैरह दिए जाते हैं, कुछ खाने पीने के चीज़ें और दिए जाते हैं, और कुछ पैसे भी मिलते हैं। ध्यान सुनेंगे, बच्चे जन्म ले लेते हैं उसके बाद भी अच्छे खासे देखेंगे कि आंगनबाड़ी से उनको बच्चे को दाल वगैरह मिलता है, ठीक है, घर पर, चूंकि एक टाइम के तो भोजन मिलता है आंगनबाड़ी में और बाकी टाइम ये आंगनबाड़ी बंद है तो उनकी माताओं को दाल भी मिलता है। तो सरकार इस योजना के थ्रू पोषण का भी ध्यान रखते हैं, बच्चों को उसको वैक्सीनेशन भी टाइम पे मिले, और शुरू शुरू जो शिक्षा का डर है उसको भगाने के लिए पूर्वशाला शिक्षा भी मिलता है, यानी सभी ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, सही उपयुक्त सभी सभी चीज़ समझ करके आप बनाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा दिन तक याद रहेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए ये सेकंड प्रश्न हम लोग देख लिए, जहां भी दिक्कत होता है आप कमेंट करेंगे, सर ये समझ में नहीं आया, अच्छा सर ये डाउट है, तो आराम से आपको कमेंट बॉक्स में बता दिए जाएंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें, तो अगला प्रश्न है ये आपका तीसरे चैप्टर से लिए गए हैं, आराम से देखेंगे। इस प्रश्न को देखिए, अपंगता का कारण है, अपंगता का क्या कारण है सर ये आपको बताना है। अपंगता का कारण ऑप्शन वन है जन्मजात हो सकता है, एक मिनट, दूसरा आपका है आपके सामने ऑप्शन की दुर्घटना से हो सकता है, तीसरा बीमारी से, और चौथा उपयुक्त सभी। तो ये जो अपंगता है जैसे शरीर का कोई भाग जो है वो अपंग हो जाता है, लुल्हा लंगड़ा बहरा सब अपंगता के दायरे में आते हैं, तो ये जन्मजात भी हो सकता है और ये किसी दुर्घटना बस हो सकता है, पैर वगैरह कट गया, रेल में चढ़ने टाइप में असावधानियां हो गई, रेल दुर्घटना में कुछ शरीर का कोई भाग कट गया, ये किसी तरह से आदमी बहरा हो गया, ठीक है, तो दुर्घटना में भी हो सकते हैं, बीमारी वारी से भी कुछ आदमी जो है सके अपंग हो जाता है, जैसे पैर वगैरह में जख्म हो गया उससे कैंसर हो गया, डॉक्टर बोला इसे ठीक नहीं होगा आपको नीचे वाला भाग काटना पड़ेगा, लोग अपंग हो गए, तो इससे भी लोग अपंग हो जाते हैं। तो ये ध्यान सुनेंगे, अपंगता का जो कारण है वो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इज द राइट, याद रखेंगे डी सही है, आप लिख लो कि आप कौन लिखें और डी है, आपका स्कोरिंग में आराम होगा। चलिए यहां तक हम लोग देख लिए, तीसरा प्रश्न फटाफट से देखेंगे, 10 क्वेश्चन आपको कराने हैं, तो ये रहा आपके सामने चौथा प्रश्न, बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है, ये उपभोक्ता बाजार वगैरह से लिया गया। प्रश्न है कि बाजार का राजा कहलाता है, आपको बताना है कि बाजार का जो राजा है सर वो कौन कहलाता है। ऑप्शन वन आपके सामने दिया गया है कि बाजार के राजा विक्रेता होते हैं, या फिर बाजार के राजा निर्माता होता है यानी जो मैन्युफैक्चरिंग वस्तु बनाते हैं, तीसरा आपके सामने ऑप्शन है कि खुद उपभोक्ता है, और चौथा जो है वो इनमें से कोई नहीं। सही जवाब आपको लिख लेना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा, उसके बाद का उत्तर हम आपको बताते हैं। देखिए अगर बाजार की अगर बात कर लेंगे तो बाजार में कोई भी वस्तु का मांग बढ़ता है या मांग घटता है तो ये सब के सब किसके कारण होता, उपभोक्ता। जब किसी वस्तु को खरीदने के लिए ज़्यादा उपभोक्ता आ जाते हैं तो बाजार मांग बढ़ जाता है, तो कंपनी उसको ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करने में लग जाती है। अगर उपभोक्ता किसी वस्तु के मांग अगर कम कर देता है तो कंपनी जो होती है उस वस्तु को कम उत्पादन करती है, यानी हर हाल में अगर देखें तो उपभोक्ता ही मेनली रूप से अगर देखें तो उपभोक्ता बाजार के क्या होते हैं,
तो राजा होते हैं। याद रखेंगे उपभोक्ता ही बाजार के क्या होते हैं जी, राजा होते हैं। कोई दिक्कत? तो सही जवाब हो जाएगा 4 का, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 5 नंबर प्रश्न। बढ़िया से देखेंगे, सारे विद्यार्थी अगर इसको समझना चाहे तो उनके लिए कुछ हेल्पफुल ही होगा, घाटा तो कुछ है नहीं। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। आप बताइए कि उपभोक्ता की भावनाओं से कौन खिलवाड़ करते हैं। अगर 10th इकोनॉमिक्स भी बढ़िया से पढ़े होंगे तो ये समझ में आपको आ जाएगा। देखिए है कुछ नहीं, होम साइंस क्या है ना कि कुछ बायोलॉजी का भाग है, क्योंकि आपको एक अच्छे गृहिणी बनाना है तो आप कोई भी सामान खरीदते हैं बाहर से, तो सामान खरीदने के समय कौन कौन सी सावधानी आप बरतेंगे। आप एक उपभोक्ता हैं तो आपका एक कर्तव्य क्या है, सही चीज़ घर पे लाने के बाद कैसे उसको स्वच्छता से रखना है, कपड़े खरीदेंगे तो कैसे कपड़े हमको खरीदने हैं कम बचत में अच्छा हो जाए, कौन सा डिटर्जेंट पाउडर में हम उसको धोएं, धुलाई कैसे किया जाए, खाना कैसे परोसे, घर में कोई बीमार हो गया है उसको कैसे मैनेज कर ले, फर्स्ट एड में से क्या क्या हमको रखना है, ये सारा कुछ। मैंने थोड़ा सा आपको मेडिकल टाइप में भी जानकारी है, थोड़ा कपड़ों की जानकारी भी आपको मिल जाएगी इसमें, थोड़ा सा आप उपभोक्ता होने के नाते खरीद बिक्री का भी आपको जानकारी हो जाएगा, तो थोड़ी थोड़ी आपको सब समझना है। ठीक है, चलिए आपको बताना है कि उपभोक्ता की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं ये कौन करता है भैया। ऑप्शन 1 है आपके सामने गुणवत्ता, दूसरा है बाजार, तीसरा विज्ञापन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब आप हमें बताएंगे कि कौन उपभोक्ता के भावना से खिलवाड़ करता है। तो बिल्कुल सही जवाब हम यहां पे बताने जा रहे हैं, आप लिख लो जल्दी से वीडियो रोक के, ए होगा या बी होगा। तो सही बात अगर हम कर ले तो उपभोक्ता की भावना से अगर कोई खेलता है तो वो खेलने वाला कौन है भैया, तो विज्ञापन। विज्ञापन नहीं समझ रहे हैं, इसी को अंग्रेजी में एडवर्टीजमेंट बोलते हैं, ध्यान सुनेंगे, मतलब प्रचार। आप टीवी में एड आते होंगे, एक एक मसाला होता है क्या कि आप घर पे बनाते हो सारा कुछ, दाल चीनी अलग से लेकर करके जो भी मसाले में चीज़ें मिले होते हैं, लौंग है, इलायची जो भी होते हैं, वो सारा कुछ ले करके ओरिजिनल सब मसाले को साफ कर करके और एक हम मसाला बना दी, ठीक है, ये ओरिजिनल वाला मसाला हो गया, इससे शुद्ध मसाला कुछ हो ही नहीं सकता है, जिसमें ना तो मिलावट है ना तो आप शुद्धता, आप अपने हाथ धो करके अच्छे तरह से सारे कुछ मिक्स किए, अच्छे डब्बा में उसको रखे। और एक कंपनी में होते हैं, कंपनी में क्या होते हैं कि मजदूरों के हाथ गंदे होते हैं, अलग अलग कंपनी के अलग अलग बनते हैं, उसमें बहुत सारी चीज मिलावट कर दी जाते हैं, ओरिजिनल चीजों को निकाल करके हानिकारक चीज मिला दी जाते हैं, और जब उसको बनाते हैं तो वो क्या होता है कि एक मसाला है, करोड़ों देशवासी लोग खरीदने वाले हैं उसको, तो एक हीरो हीरोइन को उस मसाले के प्रचार के लिए क्या किए कि 5 मिनट के प्रचार के लिए 2 करोड़ 10 करोड़ रुपए ऐसे दे देते हैं उनको, ठीक है। अब उनको 2 करोड़ 10 रुपए दे दिए तो सारा 2 करोड़ 10 करोड़ जो पैसा है वो सारा इनके मसाले पे जुड़ जाते हैं, और वो मसाले का झूठी प्रचार दिखाते हैं कि अगर इस मसाले को अगर हम डालते हैं तो रेस्टोरेंट से भी फेल हो जाएगा एकदम टेस्ट, अगर आप रेस्टोरेंट में जो टेस्ट वाले अपना खाते हैं खाना उससे ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा, जबकि ये एक मसाला जो आप घर पे सारा कुछ बनाए हैं और ये कंपनी का मसाला, ये कहीं ना कहीं चेंजिंग आ जाएगा। इस तरह से बहुत सारी चीज़, जैसे अगर आदमी कोई घर पे स्वच्छ कर करके पानी पीता है तो उसमें डराया जाता है प्रचार में कि ये पानी क्या है, पानी आपका रहेगा उसमें बता देंगे कि ये पानी में क्या है भैया, तो जर्म है, इसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया वायरस आपको बता दिया जाएगा, आराम से आपको दिखाया जाएगा, लेकिन वो एक क्या करेंगे कि आरओ वाला पानी वो आपको बताएंगे कि ये कैंट से अगर पानी हम पीते हैं तो पानी बिल्कुल एकदम जो है कि स्वच्छ होगा और साफ सुथरा होगा, और इससे पता चलेगा कि आपका सेहत बना रहेगा, 19 से सचिन तेंदुलकर आएंगे, एक वो बैट से मारेंगे एकदम पूरा दम लगा के छक्का, का भाई ये पानी के कमाल। तो ये जो आपकी जो भावना होती है ना उस पर चोट चोट डालते हैं, ये कौन चोट डालते हैं सर, तो ये विज्ञापन वाले, यानी उपभोक्ता के एक तरह से भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट उतना अच्छा होता नहीं है लेकिन प्रचार प्रसार बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके दिखाते हैं। तो चलिए ये 5वां के सी ऑप्शन सही है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न। तो अगर वीडियो से आपको लाभ मिल रहा होगा तो एक एक लाइक कर दीजिए। और एक बात और बता दे कि जिन बच्चों को आप चाहते हैं कि सभी चीज़ हम चैप्टर वाइज तरीके से पढ़े, पीडीएफ भी हमको मिल जाए, नोट्स बनाने के लिए झमेला ना हो, केवल हम पीडीएफ में से देखें फिर कॉपी में आराम से नोट्स, अच्छा नोट्स बना सकते हैं और अच्छे वीडियो लेक्चर्स मिल जाए ताकि हम बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सकें, तो हमारा एक नंबर है अपना, आप इसको आप यूज कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अगर कहेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मेरा नंबर है, आप इसको नोट कर सकते हैं, 8825 37 6551।
कहीं नहीं दिखने में दिक्कत होगा तो आप इसको पढ़ सकते हैं 8825376551, ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप करेंगे। एक सब्जेक्ट का पीडीएफ और वीडियो लेक्चर्स लीजिएगा तो आपको अभी ऑफर है आपका कि 51 रुपया लग रहा है, और आर्ट्स के 3 सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आपको मात्र और मात्र 99 रुपया में हो जाएगा। ये व्हाट्सएप से जुड़ करके आपको प्लेलिस्ट का लिंक देंगे, उस पर आपको वीडियो देखना है और पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे देंगे, उससे आपको फेयर लिखना है। बाकी ऐप का अलग इंक्वायरमेंट है, उसके लिए आप है तो आप फोन कर करके आप हमसे बात कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर कि प्राकृतिक तंतु है, अब बताना है प्राकृतिक तंतु कौन सा है भाई। ऑप्शन 1 आपको दिख पा रहा है नैलून को कहते हैं, दूसरा है पॉलिस्टर, तीसरा है सूती और चौथा है रेयॉन, जल्दी से बताएंगे। तो प्राकृतिक तंतु यानी जो नेचुरल जो रेशे हैं आपका वो कौन से होते हैं, तो एक बात आपको बता दें कि या तो जो पेड़ पौधे से मिल जाए या जानवरों से मिल जाए, जैसे भेड़ वगैरह ये सब से होते हैं, उनसे भी तैयार किए जाते हैं, जैसे ऊन वगैरह, तो या फिर मान लेते हैं जैसे कोया वगैरह ये सब हो गया, कोया रेशम का कीड़ा आप लोग जानते होंगे, उसी को कोया कहते हैं, नाम याद रखेंगे, रेशम के जो कीड़े होते हैं उसको क्या कहते हैं, कोया। होता क्या कि रेशम के जो कीड़े होते हैं वो पत्ती पर, ऐसे मान लेते हैं शहतूत का पत्ता है उसी पे बैठेंगे और वो चारों तरफ से ऐसे 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 मकड़ा का जाल जैसा बना देते हैं, और इसी से ही जाल से क्या करते हैं कि वो कीड़ा को पनपाते हैं, और ये जब जाल नीर बना देता है तो उनसे वो रेशे को अलग करते हैं, वैसे कर करके और रेशम की प्राप्ति करते हैं। तो कोई भी जंतु, जीव जंतु हो या जानवर हो या पेड़ पौधे हैं, अगर उनसे अगर कोई तंतु बनाते हैं हम तो उसको कहते हैं सर प्राकृतिक तंतु। क्या कहते हैं? प्राकृतिक तंतु कहते हैं, ध्यान रखेंगे। तो आपका नैलून जो है ये नहीं होगा, ये केमिकल से कैसे होता है ये हम कपड़े वाला में आपको बताएंगे जब तंतु के बारे में पढ़ाएंगे। पॉलिस्टर भी नहीं होगा, आपका रेयॉन भी नहीं होगा, सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सूती। याद रखेंगे क्या होगा? सूती, सूती कॉटन। कॉटन कहां से आता है? कृषि से करते हैं, तो ये कृषि से भी आपका आ जाएगा प्राकृतिक तंतु में, ठीक है। तो यहां पे आपका सही जवाब हो जाएगा 6 का C ऑप्शन, एकदम एकदम सर सही है। तो 6 का C आप मारिए। आप बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, जाइएगा नहीं कहीं, 2 प्रश्न और बचा होगा, इसके बाद जल्दी जल्दी देखेंगे। कौन सी रेखा लंबाई को दर्शाता है? आपको बताना है कौन सी रेखा लंबाई को दर्शाता है, खड़ी रेखा लंबाई को दर्शाता है या फिर क्षैतिज रेखा या फिर वक्र रेखा या फिर तिरिक्ष रेखा, आपको बताना लंबाई कौन दिखाता है। अब देखिए जब हम आपको कपड़े पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि कपड़े आपको कैसा लेना चाहिए, आप पतले हैं, दुबले हैं, मोटे हैं, उस हिसाब से आपको कपड़े लेने चाहिए। तो कई लोग कपड़े जब लेने जाते हैं तो रंग देखते हैं। देखिए अगर आदमी पे आपको लगता है कि पतला आदमी भी मोटा दिखे और मोटा आदमी ज्यादा मोटा लग रहा है तब पतला दिखे, तो हम वहां पे बताएंगे कोई कपड़े के अगर लाइनें ऐसे आपको देखने के लिए अगर मिल जाएगा खड़ी लाइनें, तो मोटे व्यक्ति अगर ये पहनता है तो वो क्या होगा कि नीचे से आदमी ऊपर की ओर देखेगा तो वो हल्की लंबा टाइप का दिखने में प्रतीत होगा। अगर कोई आदमी पतला है तो वो अगर ऐसे पड़ी रेखा वाला अगर लाइनें लेगा तो ये लोग किधर देखेंगे, तो इधर से इधर देखेंगे तो वो हल्का चौड़ा दिखेगा। ये ध्यान से सुनेंगे, कभी भी आप गौर कर सकते हैं या कपड़े पहन के ट्राई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ध्यान से सुनेंगे। तो यहां कह रहा है कि कौन सी रेखा लंबाई को दर्शाता है, तो खड़ी रेखा वाला याद रखेंगे, अगर कोई कपड़ा होगा जिसमें खड़ी खड़ी लाइनें हैं तो वो आदमी मोटा आदमी भी पहनेगा तो थोड़ा लंबा टाइप का दिखेगा। तो यहां पे सही जवाब जो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी खड़ी रेखा, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक रंग है, आपको बताना है निम्नलिखित में कौन द्वितीयक रंग है। ऑप्शन 1 आपको सामने दिख रहा है लाल रंग, एक मिनट, ऑप्शन 1 है आपका लाल रंग, और दूसरा है हरा रंग, तीसरा है नीला रंग और चौथा है पीला रंग। फटाफट से सही जवाब आप बताना है आपको कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए द्वितीयक रंग, सबसे पहले आप जान लो कि प्राथमिक रंग किसको कहते हैं, सारा कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, ऐसे घबराने वाली बातें नहीं है। तो लाल, नीला और पीला 3 जो कलर होते हैं यही प्राथमिक रंग है, और इसी रंगों से याद रखना है आपको कि इसी मात्र इसी रंगों से बनेगा द्वितीयक रंग। मान लेते 3 रंग, एक मान लीजिए आपकी ये लाल हो गया, ठीक है, ये लाल हो गया और ये आपका नीला हो गया सर, ये मान लो नीला हो गया, और ये जो है वो आप मान लीजिए कि
कि ये पीला हो गया, ये क्या हो गया, पीला। ठीक है, ये तीन रंग आपके कौन से है, प्राथमिक। अब इसमें से अलग मान लेते हैं पीला और लाल मिलाकर के अलग रंग बनेगा, और लाल और नीला मिला के अलग बनेगा, या फिर नीला और पीला मिला के अलग बन जाएगा, तो वो जो रंग बनेगा वो आपका द्वितीयक रंग होगा। जिसमें खास करके देखें तो हरा भी द्वितीयक रंग है, और द्वितीयक और कौन रंग मिलाएंगे तब जाके तृतीयक रंग बनेगा, ये सारा कुछ जब कलर पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है, अभी फाइनली बता रहे हैं कि हरा जो है वो फाइनली द्वितीयक रंग है, यानी बी ऑप्शन एकदम सही है। तो आठवां के यहाँ पे हो जाएगा आपका बी, क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, तो अगला प्रश्न है हमारे नौवां प्रश्न, जल्दी जल्दी देखेंगे। अब नौवां प्रश्न है, बहुत बढ़िया है, ये खाद्य पदार्थ से लिया गया है, आहारीय मिलावट टॉपिक है उससे लिया गया है। FPO का पूरा नाम क्या है, आपको बताना है FPO का पूरा नाम क्या है। कई बार ऐसे हिंदी में रहेगा और कई बार ऐसे रहेगा, FPO का पूरा नाम क्या है। ठीक है, ऑप्शन वन है फल उत्पादक आदेश, दूसरा है मांस उत्पादक नियंत्रण आदेश, और तीसरा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, और चौथा है सर आपका इनमें से कोई नहीं, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है FPO, जिसको कहते हैं फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, यानी हिंदी में इसको बोलेंगे फल उत्पादक आदेश। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये किस पे चिन्ह होगा, तो कोई भी ऐसी वस्तु जो फल या सब्जी के द्वारा बना है, जैसे खास करके चटनी है, जैम है, अचार के डब्बे आते हैं, या फिर सिरप के डब्बे आते हैं, तो आपको उस पे पदार्थ की गुणवत्ता को लेकर कर करके और ये चिन्ह जो होते हैं दिए जाते हैं, इसको कहते हैं FPO यानी फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। चलिए एक और लास्ट प्रश्न है, फटाफट से देखेंगे और इस लास्ट प्रश्न के साथ एंडिंग विदाई लेंगे, फटाफट से देंगे। और आपको लास्ट में आज कमेंट में बताना है कि सर कितने क्वेश्चन में हमारा कितना सही हुआ। ठीक है, चलिए 10 क्वेश्चन आपको क्या बोले थे, 10 क्वेश्चन ये लास्ट है। उपभोक्ता का अधिकार कौन नहीं है, आपको बताना है कि उपभोक्ता का कौन सा अधिकार जो है वो इसमें से नहीं है। ऑप्शन वन है चयन करना, यानी किसी वस्तु का चयन करना। दूसरा, दुकान में रेड करने का, माने एक आदमी जो दूसरे दुकान में रेड मार दे। तीसरा, क्षतिपूर्ति का। और चौथा है आपका कि शिकायत दर्ज कराने का। भैया एक उपभोक्ता होने के नाते तो ये तो पक्का है कि शिकायत दर्ज कराएंगे, तो कौन अधिकार इनमें से नहीं है ये आपको बताना है। तो सारे अधिकार हमारे पास है उपभोक्ता को, जो जो किसी वस्तु को खरीदता है लेता है वो एक उपभोक्ता है, उसको बहुत सारे अधिकार जो है वो मिल रखे हैं, लेकिन ये रेड करने का जो अधिकार है वो नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम आपको 10 जो है वो आपका होम साइंस के प्रश्न करा दिए। अब आपको बताना है कि इस 10 में से कितने सही है, 7 सही है, 8 सही है, 6 सही है, 5 सही है, 10 में 10 गलत है, ये 10 में 10 सही है। और अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके आप बने रहेंगे। इस तरह से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, होम साइंस, इकोनॉमिक्स के भी आपका VVI प्रश्न इसी पे डाले जाएंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो।